तो यार कंटेंट क्रिएशन करने के अपने पास ना सिर्फ दो ही रीजन है, नंबर एक कि वो पैशन है हमारा, हमें अच्छा लगता है, और नंबर दूसरा वो है प्यार। तो यार आप जब जहां कहीं जाते हो और अगर आपसे कोई मिलने आता है तो वो जो प्यार है ना उसकी वैल्यू मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं आया था यहाँ पे पर फिर मुझे किसी ने मैसेज किया कि यार आप आज अगर वापस आ सके तो हम मिल सकते हैं, उसके बाद पता नहीं कब मिलना हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, एक बार फिर घूमना हो जाएगा। कोविड के चलते ज्यादा कुछ फोटो वॉक ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, बस एक दो लोगों ने जिनने बोला उनसे मिल दे। ऐसा गलत सिंबल क्यों लग रहा है इसका? मैं अरे भाई अलवर वाला नाम है इसका, तो यही बताएगा ना, अलवर डॉट वाला। हाँ अलवर डॉट वाला। ये जगह जो है ये कितनी पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे अभी? ये राजा विनय सिंह जी, ये डबल स्टोरी राजा सिंह जी, उनके राजा जी ने बनवाई थी। पूरे हिस्टोरियन है भाई, अगर अलवर की हिस्ट्री और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो तो भाई से कांटेक्ट करें। तो अलवर वाला इनका यूजर नेम अलवर डॉट इनसे जरूर। मैं तब पहले फोटोग्राफी नहीं करता था, स्कूल्स की बंक मार मार के हम बहुत आए हैं यहाँ पे। ये ऐसे ही ना तुम कैमरा लेके आ गए थे? फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो पहले तो फील ही नहीं आता कि यार कितना देख लिया इसको, लेकिन जब फोटोज खींचने लगे कि हाँ अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब फोटोज खींचते हैं हम, तो फिर बाद में पता लगा कि कितना अच्छा दिखा सकते हैं हमारी सिटी को। और आप कर रहे थे बात इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम में तो भैया हमारे अलवर में कोई आप मेरे हिसाब से पहले आए थे जीते रहो भैया। हाँ, जीते रहो आया था। हाँ। उसके बाद शायद सेकंड आप ही, नहीं पंकज भी अभी आ चुका है, स्नैप विद पंकज, स्नैप विद पंकज वो पहले आए थे। हाँ अच्छा। उनके बाद शायद थर्ड आप ही आए हो, और आप लोग ही करोगे फेमस, हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग के यहाँ के तो कर ही रहे हैं सारे बंदे। तो ऐसे कहते हैं यार कि जहाँ भूपेंद्र जाता है वहाँ पे फॉग आ जाता है, या फिर भूपेंद्र ऐसी जगह जाता है जहाँ पे फॉग होता है। अब हम यहाँ पे आए किस्मत से, इनसे ही पूछिए कि यहाँ पे भी इतना फॉग मिला है, कल से घूम रहे बस फॉग फॉग दिख रहा है। ये एक जगह ले जा रहे हैं, क्या नाम बताया जगह का? किशन कुंड। तो किशन कुंड जाके देखते हैं, उठाते हैं साइकिल, पहुंचते हैं किशन कुंड। तो आगे नहीं जा पा रहे हैं इनकी वजह से, क्या है कि अभी वो जैसे घूर रहा था, देखा था ना आपने अभी। हाँ, कैसे लुक, था। लुक दे दिया उसने। ये बस इनको आगे नहीं आने देना भाई। तो यार वैसे एक चीज है कि अलवर में जैसे आपने अगर जयपुर में जल महल वगैरह देखा हो वो बहुत ही कमर्शलाइज हो चुका है, वहाँ आपको खाने पीने का सब कुछ यू नो आपको फील ही नहीं आएगा। एक सिटी में चाहिए होता है ना, एक सिटी जिसमें गांव का टेक्सचर भी है, वो सब कुछ है यहाँ पे, लोग आपको प्यारे मिल रहे हैं। तो काफी नेचर के क्लोज है, और जो हीलिंग वाली बात है, दिल्ली आगरा अलवर भी इंक्लूड कर ले। ये आपने बहुत सही बोला, अलवर तो इंक्लूड करना ही चाहिए। देखो अलवर इंक्लूड करना चाहिए। वापिस आ महल चौक आ जाओ, महल में पैदल ही है। क्या हो गया? हाँ देखो कहाँ मिलेगा बता, सीधा बोलना है कि भाई भाई आया हुआ है बस खत्म। और भी हुआ है बहुत ही एपिक जगह यार, काफी दिनों बाद इतने चिल लोगों से मिला हूँ। ज-
जरूर आओ दिल्ली कभी। बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे। नहीं मतलब आप लोग बोल देते हैं, दिल्ली वाले बोल देते हैं कि दिल्ली आओ कभी, अब जैसे दिल्ली जाके हम बुला, मैं तो क्या ऑफिस के काम। अरे नहीं नहीं, तो यार व्लॉगिंग मेरे लिए काफी नई चीज है, अभी मैं सीख रहा हूँ सिनेमैटिक्स, स्टोरी टेलिंग सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ सिंपली ना कट जाए, तो मंडे से फ्राइडे ऑफिस करने के बाद सैटरडे और संडे घूमने का प्लान है। तो पूरा कंट्री ट्रैवल करेंगे इस साल, शुरुआत कर रहे हैं इलाहाबाद से, इस वीकेंड जाएंगे इलाहाबाद, उसके बाद शायद लखनऊ और फिर शायद आपके शहर। तो इस चीज़ को और बेहतर करेंगे, और अच्छे फोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, सिनेमैटिक्स करेंगे और मिलेंगे आपसे आप ही के शहर में।